नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। डिंडौरी में बीमार पिता को कंधे में बिठा इलाज के लिए विधायक के घर पहुंची बेटी, पढ़ाई छोड़ जिंदगी बचाने की जिद में लगी। हमने पिता के कंधों पर बेटियों को देखा होगा, लेकिन गुरुवार को एक बेटी के कंधों पर पिता को देखकर हर कोई हैरान रह गया। बेटी पिता के इलाज के लिए आस लिए विधायक ओमकार मरकाम के घर पहुंची। विधायक ने एम्बुलेंस से बेटी और पिता को जिला अस्पताल भिजवाया और इलाज कराने का आश्वासन दिया। जिला अस्पताल प्रबंधन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 18 वर्षीय बेटी अपने भाई के साथ पढ़ाई छोड़कर अपने पिता की जिंदगी बचाने की जिद में लगी है। अमरपुर विकासखंड के बिलगांव के रहने वाले शिव प्रसाद वनवासी ने बताया कि 3 महीने पहले बीमार पत्नी सोमतीबाई का इलाज कराने भोपाल गया था। मैं खुद भी 7 महीने से गैंग्रीन से पीड़ित हूं। 2.5 महीने पहले पत्नी की मौत हो गई। घर में 70 साल की मेरी बूढ़ी माँ उजरिया बाई बची है और मेरी बेटी रंजीता बाई और बेटा राजकुमार मेरे इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। रंजीता ने बताया कि पिता के इलाज के लिए भोपाल जबलपुर तक घूमकर आ गए। देर शाम डिंडौरी जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे तो वहां बिस्तर तक नसीब नहीं हुआ। तीनों जमीन में सोकर रात गुजारते रहे और सुबह विधायक से मदद मांगने के लिए पहुंचे। पूर्व मंत्री एवं डिंडौरी विधायक ओमकार मरकाम ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अमृतकाल आजादी का 75वां महोत्सव मना रही है और दुर्भाग्य देखिए कि मजबूर बेटी पिता को कंधे में रखकर इलाज के लिए भटक रही। उसे इलाज नहीं मिल पा रहा। जब इस मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय राज से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।